हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सब। टीम शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम पिछले 10 से 15 सालों में एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को विस्तृत रूप में देखते हैं तथा उससे बनने वाले अन्य प्रश्नों को भी डिस्कस करते हैं। यह वीडियो हफ्ते में 2 दिन आएगी, शनिवार और रविवार को। अगर यह सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है और आप इसे रोज़ देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए चलते हैं हम अपने सीरीज की पार्ट 3 की ओर। लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस कंप्लीट। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, जयमल और कल्ला के सम्मान में राजस्थान के छतरी को निम्नलिखित में से किस किले में बनवाया गया था और इन लोगों को सम्मान क्यों मिला था, इसका आंसर भी प्रश्न में ही दिया गया है। जिन्होंने सम्राट अकबर द्वारा 1568 की घेराबंदी में अपना जीवन त्याग दिया, मतलब जो इनका स्मारक है वो जिस किले में बना गया है उसी किले पे 1568 में अकबर ने आक्रमण किया था और वो जो जयमल और कल्ला थे इन्होंने उस किले की रक्षा करते करते अपने प्राण त्याग दिए, यानी कि वीरगति को प्राप्त हो गए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है चित्तौड़ का किला। चित्तौड़ के किले के बारे में कुछ क्वेश्चन और भी बनते हैं, जैसे कि चित्तौड़ का किला, पहला क्वेश्चन है, क्या चित्तौड़ का किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हाँ, चित्तौड़ का किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में चुना कब गया था, तो इसका आंसर होगा 2013 में। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुमायूं, बाबर और अकबर। देखिए, ये बहुत बार और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है और इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है बाबर। क्या बाबर? देखिए, बाबर जो था एक मुगल वंश की स्थापना करने के साथ साथ इसने एक और पद्धति शुरू की थी जिसको हम क्या कहते हैं, पादशाही। देखिए, इसके अंदर क्या हो गया, पहले हम लोग कहते थे कि ये राजा शासक यहाँ का, ये राजा। इसने जो पादशाही शुरू की उसके अंतर्गत राजा को अब बादशाह कहा जाने लगा। आपने सुना होगा बादशाह बाबर, बादशाह अकबर। ठीक है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसकी थी कि जो बहुत कम बार हम लोगों को पता रहती है कि इसने 4 बार भारत पे आक्रमण किया है, 4 बार आक्रमण किया और दोस्तों 3 बार ये विफल रहा है। और जो इसने चौथी बार आक्रमण किया था, जो इसने 4th time आक्रमण किया 1526 में, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, इस पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर बहुत अच्छे से विजयी होता है और उसके बाद विजयी होने के बाद वो मुगल सम्राट की नींव रख देता है भारत में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कि भारत में मुगल सम्राट की नींव किसने रखी थी या पहले मुगल सम्राट कौन थे, बात एक ही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बाबर। किसने रखी थी? बाबर ने। ठीक है, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और गंगा। कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है? देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है सिंध और उसके बाद देखिए ये कितनी है, इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर और इसके बाद दूसरी जो है वो है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब देखिए ये सिंध नदी जो है ये तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से निकल के इंडिया में आती है, इंडिया में आने के बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी भी ऐसे ही चाइना से निकलती है, चाइना से निकलने के बाद घूम फिर के इंडिया में आती। तीन दोनों नदियों की तो लंबाई बहुत ज़्यादा है लेकिन ये भारत के अंदर आने के बाद इनकी लंबाई उतनी ज़्यादा नहीं है और इसने पूछा भारत की सबसे लंबी नदी, इस लिहाज से देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गंगा। ठीक है, गंगा क्यों होगा, ये देखिए जो गंगा की लंबाई है वो है 27,004 किलोमीटर। ठीक है,
सिंधु नदी से, ब्रह्मपुत्र नदी से तो कम है, लेकिन भारत की है, भारत में ही शुरू होती है, भारत में ही ख़त्म होती है। इसकी सारी साँस जो 2704 किलोमीटर है वो पूरा भारत में है, लेकिन जो सिंधु नदी 2900 किलोमीटर है वो पूरी भारत में नहीं है। कुछ पार्ट उसका तिब्बत में है, कुछ पार्ट उसका इंडिया में है, कुछ पार्ट उसका पाकिस्तान में है। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी हुई? ये हो गई गंगा। अब ये देखते हैं गंगा कितने कितने स्टेट से होके गुजरती है। दोस्तों जो गंगा नदी है वो 4 स्टेट से होके गुजरती है। उन चारों का नाम देखिए जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ये पूछा जाता है। एक है यूके, दूसरा है यूपी, यूके मतलब उत्तराखंड, यूपी, और तीसरा है बिहार, और चौथा है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा पूछा जाता है। और वेस्ट बंगाल के बाद इन आगे जाती है और बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? गंगा नदी, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर का उत्तराधिकारी उसका पुत्र सलीम था। ये तो हमें भी पता है, सब लोगों को पता है, जिसको की उपाधि मिली थी जिसका अर्थ है विश्व विजेता। जो अकबर का उत्तराधिकारी था सलीम, सलीम को कौन नहीं जानता, बचपन से ही हम लोग उसके नाटक को देखते हुए आ रहे हैं, जोधा अकबर, सलीम अनारकली, फलाना धमाका। तो जो सलीम था उसको उपाधि मिली थी विश्व विजेता की। तो सलीम जिसके बचपन का नाम था वो कौन था, उस राजा का क्या नाम था, बड़ा होके उसका क्या नाम हुआ? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है जहांगीर, जहांगीर ही सलीम था, ठीक है। न्याय, देखिए अब एक चीज़ और जानते हैं जहांगीर के बारे में, हम दो क्वेश्चन और बनते हैं। जहांगीर का पहला क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बनता है अधिकतर, जहांगीर को क्यों जाना जाता है? तो ये है न्याय की जंजीर, जहांगीर ने जानते हैं दोस्तों न्याय की जंजीर बनवाई थी। ये पूरी जंजीर सोने की थी और ये एक घंटी से लगी हुई थी। जब भी किसी को न्याय चाहिए होता था तो वह बाहर ही किले के एकदम बाहर ही जंजीर लगी थी, वो उस जंजीर को खींचता था, फिर वह घंटी बज जाती थी और शाहजहाँ को पता चल जाता था कि उसके मतलब उसके द्वार पे कोई न्याय के लिए आया है, इसलिए उसको जाना जाता था। और दूसरा, इसने एक काम किया था, इसने जो सिखों के पांचवें गुरु थे, सिखों के पांचवें गुरु कौन, अर्जुन देव, उनको फांसी दे दी थी इसने। और फांसी क्यों दी थी? जो खुसरो था, खुसरो को इन्होंने शरण में दिया था, इसलिए जहांगीर ने उसको अर्जुन देव को फांसी दी थी। अब खुस आप शौक दो जाएंगी जानकी कि खुसरो कौन था। एक्चुअली खुसरो जो था वो जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा था, सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो, और अर्जुन देव ने उसी के पुत्र को शरण दे दी थी, छुपा दिया था, तो उसने अर्जुन देव को मार दिया। एक्चुअली खुसरो ने अपने पिता के प्रति ही विद्रोह कर दिया था, जिसके बाद वो इसे मारने के लिए ढूंढ रहा था। इन दोनों लोगों के बीच में युद्ध भी हुआ था, तो जब वो मारने के लिए ढूंढ रहा था तो गुरु अर्जुन देव के पास जाता है, खुसरो और शरण मांगता है, गुरु अर्जुन देव उसे शरण देते हैं। उसके बाद ये बात जब जहांगीर को पता चलती है तो वह क्या होता है, पाँचवें गुरु, ये भी याद रखिएगा, पाँचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को फांसी दे देता है और जहांगीर फिर वहाँ खुसरो को भी मार देता है, ठीक है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा संकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर के स्थापत्य चरमोत्कर्ष को दर्शाता है? पहले ये देखते हैं कि जो विक्टोरिया मेमोरियल है वो बनवाया किसने था, क्वेश्चन में ही बता दिया था लॉर्ड कर्जन ने। अब लॉर्ड कर्जन ने विक्टोरिया मेमोरियल को कब बनवाया, एक क्वेश्चन ये है। तो लॉर्ड कर्जन ने 1906 से लेकर 1921 के बीच में विक्टोरिया मेमोरियल को बनवाया था, और इन्होंने बनवाया क्यों था, क्वीन विक्टोरिया यानी कि रानी विक्टोरिया की याद में, रानी विक्टोरिया के सम्मान में ये महल बनवाया था, किसने, लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। और इसके बारे में एक और चीज है कि जो विक्टोरिया मेमोरियल है, इसके बारे में कहा जाता है कि विक्टोरिया मेमोरियल इज ए लार्ज बिल्डिंग इन कोलकाता, जो ये कोलकाता की सबसे बड़ी मार्बल की बिल्डिंग है, मतलब कि ये पूरी बिल्डिंग मार्बल से बनी है, पूरी बिल्डिंग पे मार्बल लगा है, जैसे ताजमहल पे भी मार्बल लगा है वैसे पूरी बिल्डिंग मार्बल लगा है, और यह कोलकाता की सबसे बड़ी मार्बल की बिल्डिंग है।
तो इसका आंसर क्या होगा, कोलकाता। किस शहर में है विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता में। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तब क्या होता है जब उधार की राशि के अतिरिक्त किसी सरकार के कुल व्यय से राजस्व अधिक उत्पन्न होता है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है राजकोषीय घाटा। देखिए दोस्तों, जब उधार की राशि को अगर छोड़ दिया जाए और किसी सरकार का कुल व्यय से, जितना भी वो व्यय कर रहा है उससे राजस्व अधिक उत्पन्न होता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं राजकोषीय घाटा। ठीक है, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। औपनिवेशिक काल का क्या मतलब हुआ कि जब ब्रिटिश राज हमारे इंडिया पे, जब ब्रिटिश राज था उसे हम क्या बोलते हैं, औपनिवेशिक काल। तो उस समय भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो उस समय भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी निर्यात अधिशेष। ठीक है, निर्यात में कमी, आयात में कमी, ये सब प्रॉब्लम नहीं थी उस समय, निर्यात अधिशेष की प्रॉब्लम थी, मतलब निर्यात अधिशेष होता था, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये हमारे उस समय की विशेषता थी। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था। पहले ये देखते हैं कि जो महाराजा सवाई प्रताप थे वो कहाँ के राजा थे, तब ना पता चलेगा किस चीज का बनाया था, क्योंकि ये सारे, तब इससे ये पता चलेगा ये सारी चीजें कहाँ कहाँ पर हैं। तो जो महाराजा सवाई थे ये जयपुर के राजा थे। ठीक है, ये जयपुर के राजा थे और इनका शासन क्या काल क्या था, 1778 से लेके 1803 के बीच में थे। दोस्तों ये कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है, और इन्होंने जो भी स्मारक बनवाया था उसको भी कृष्ण के मुकुट के अनुरूप बनवाया, यानी कि 5 मंजिला है और एकदम मुकुट के आकार का है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या, इन्होंने क्या बनवाया था दोस्तों, इसका आंसर है हवा महल। ये 5 मंजिला है हवा महल, और किस शेप में है, कृष्ण के मुकुट के शेप में है। ठीक है, और ये मुकुट के शेप में क्यों बनाए थे, क्योंकि महाराजा सवाई प्रताप जो थे वो कृष्ण के भक्त थे। चलिए हम बाकी अपने 4 ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि किसमें क्या होगा। हवा महल किसने बनवाया था, क्वेश्चन में ही दिया है महाराजा सवाई प्रताप ने। उसके बाद आता है लेह महल, लेह पैलेस, ले पैलेस बनवाया था सेंगे नामग्याल ने, नामग्याल ने बनवाया था। उसके बाद है मत्तान चेरी पैलेस, मत्तान चेरी पैलेस में क्या था कि इसे बनाया था पुर्तगालियों ने। किसने, नाम से ही देख लीजिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, इसे पुर्तगालियों ने बनवाया था, और पुर्तगालियों ने बनवा के ये पैलेस कोच्ची के राजा को गिफ्ट किया था, कोची के राजा को भेंट के स्वरूप दिया था कि देखिए आपके लिए हमें बनाए। देखिए अंग्रेज यही करते थे, वह हमारे यहाँ जो राजा थे उनको गिफ्ट देते थे, तो उनको प्रसन्न करते, तो उसके बाद व्यापार करने का अधिकार ले लेते थे, फिर टैक्स देने से छुट्टी मिल जाती थी, ऐसे ऐसे करके उन लोगों ने हम पे राज कर लिया था। उसके बाद देखिए फिर आता है मैसूर का पैलेस, दोस्तों यह बहुत ही फेमस है और इसे बनाया था कृष्ण राजेंद्र वाडियार। वाडियार देखिए साउथ में है, और वाडियार जो है साउथ की ही कास्ट है। कृष्ण राजेंद्र वाडियार फोर्थ ने बनवाया था, किसने, कृष्ण राजेंद्र वाडियार फोर्थ ने बनवाया था। ठीक है, तो हम 4 ऑप्शन देख लिए, हवा महल सवाई प्रताप सिंह ने, ले महल सेंगे नामग्याल ने, मत्तान चेरी ये पुर्तगालियों ने बनाया था, कोच्चि के राजा को भेंट किया था, और मैसूर पैलेस राजश्री महामहिम कृष्ण राजेंद्र वाडियार फोर्थ ने करवाया था। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद
शासनकाल के दौरान वास्तुकला की उपलब्धियों को स्पष्ट के रूप में स्पष्ट करता है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दिया है शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। देखिए औरंगजेब तो बिल्कुल भी, वो संगीत को भी संगीत प्रिय और एक क्या ना स्थापत्य कला प्रिय ऐसा कोई कुछ नहीं था। उसने तो अपने यहाँ पे संगीत को भी मना किया था कि हमारे यहाँ कोई भी संगीत नहीं गाएगा, कोई भी गाना नहीं गाएगा। जो संगीतकार थे कहा जाता है कि उसको उसने अपने दरबार से भी निकाल दिया था। ठीक है, देखिए और अकबर के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है शाहजहां। दोस्तों शाहजहां का जो शासनकाल का जो वो पीरियड था, जो शासनकाल था, उसको स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। क्या? शाहजहां का जो शासनकाल था उसको बोलते हैं स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। मतलब इसने अब इसको मतलब चीजें बनवाना बहुत ही पसंद था। जामा मस्जिद, लाल किला ही नहीं, इसने और कुछ भी बनवाया था, बहुत कुछ बनवाया। देखिए जामा मस्जिद बनवाया, लाल किला बनवाया था, दीवाने खास बनवाया था, दीवाने आम बनवाया था, आगरा की मोती मस्जिद बनवाई थी, ताजमहल बनवाया था, इसने बहुत सारा बनाया था। लेकिन देखिए जामा मस्जिद जो है वो दो है, जामा मस्जिद जो है वो दो है। कहाँ कहाँ पे? देखिए जामा मस्जिद एक है दिल्ली में और एक है आगरा में। देखिए इसमें आपको कंफ्यूज करेगा, जो दिल्ली वाली जामा मस्जिद थी उसे बनवाया था शाहजहां ने, ये बनवाया था शाहजहां ने। लेकिन जो आगरा वाली है उसको किसने बनाया? तो उसको शाहजहां की पुत्री ने ही बनवाया था। देखिए इसीलिए इसको स्वर्णिम युग कहा जाता है। इसके शासनकाल को इसको शाहजहां के जो पुत्री थी वो आलम आरा, उसने बनवाया था, आलम आरा ने। लेकिन बना तो इसी के शासनकाल में था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? शाहजहां। दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद किसने बनवाया था? शाहजहां ने। ठीक है, ताजमहल भी बनवाया था, कितना फेमस है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का उत्तराधिकारी निर्वासन के समय पैदा हुआ था। वह जब 13 वर्ष का था तो अपने पिता की मृत्यु उसके पिता की मृत्यु हो गई। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले हम लोग अपने पिछले वीडियो में जो पढ़े थे उस पर बात करते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि 1540 में कन्नौज का युद्ध होता है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, जिसमें हुमायूं की पराजय हो जाती है। ये हम लोगों ने अपना कवर किया था। अब इसके आगे की कहानी क्या होती है? जब हुमायूं की पराजय हो जाती है तो वह सिंध चला जाता है और वहां जाके वह हिंदाल के एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं, उनका क्या नाम है? मीर अली अकबर जामी। इनकी पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह कर लेता है। कब? 1541 में। देखिए 1540 में सिंध छोड़ के हिंदाल चला जाता है, सॉरी दिल्ली छोड़ के सिंध जाता है और वहां जाके यह हिंदाल के गुरु जो थे उनकी पुत्री हमीदा बेगम से विवाह कर लेता है 1541 में ही। उसके बाद क्या होता है कि जब ये विवाह करता है उसके कुछ कुछ सालों के बाद अकबर पैदा होते हैं। अकबर कहाँ पैदा होते हैं? वहीं सिंध के, सिंध में ही अकबर पैदा होते हैं। उस समय अकबर पैदा होते हैं और 1556 में, कब? 1556 में फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु 1556 में हो जाती है। हुमायूं मरता कैसे? वो अपने लाइब्रेरी में बुक पढ़ रहा होता है, लाइब्रेरी में से बुक पढ़ के आ रहा होता है, सीढ़ी पर से उसका पैर फिसलता और उसकी डेथ हो जाती है। तो 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती है। जब 1556 में उसकी मृत्यु होती है तो जो अकबर थे, अकबर मात्र 13 वर्ष के थे। ठीक है, और ये सबसे छोटा मुगल शासक था जो इतनी कम आयु में राजगद्दी संभालता है। 13 वर्ष के थे और 13 ही वर्ष में, देखिए मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 13 ही वर्ष में इन्होंने पानीपत का दूसरा युद्ध 1526 जो 1556 में हुआ था उसको भी लड़ा था। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। ये तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अकबर। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सिपाही विद्रोह हुआ। अब भारत में सिपाही विद्रोह यानी कि ये बात कब की कर रहा? 1857 की क्रांति।
सिपाही विद्रोह हुआ था, उसके बाद 1857 की क्रांति हुई थी। तो ये बात कर रहा है 1857 की क्रांति की। भारत में सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? ये मेरठ से शुरू हुआ था। हुआ क्या था, देखिए, सिपाही विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था 10 मई को। मेरठ में एक बवाल हो गया था, ठीक है, और ये शुरू हुआ था 10 मई को, शुरू हुआ था, माना जाता है कि 10 मई को शुरू हुआ था, ठीक है। लेकिन एक चीज और हुई थी इससे पहले ही, 28 मार्च को क्या हुआ, 28 मार्च को मंगल पांडे को कौन नहीं जानता है, बहुत फेमस आदमी है। तो 28 मार्च को जो मंगल पांडे थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। उन्हें जब पता चला कि जो कारतूस उसमें दिए जा रहे हैं उसमें गाय और सूअर की चमड़ी है, तो फिर इन लोगों ने विद्रोह कर दिया, इसे अपने धर्म के खिलाफ मानने लगे। और उन्होंने दिन दहाड़े ऐसे ही, मतलब बटालियन तैयार हुई थी, उसी में दिन दहाड़े दो वो अधिकारियों को मार दिया, अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया। एक और क्वेश्चन आता है कि जो मंगल पांडे थे वह किस बटालियन में थे? तो इसका आंसर होगा 14वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। क्या था? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को एकदम रट लीजिएगा कि कहाँ से शुरू हुआ था, मेरठ से। पहले इन्होंने, किसने, मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था और दो अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया था। लेकिन इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? 10 मई, उसके बाद 10 मई, क्योंकि जब इन्होंने ये काम किया सैनिक विद्रोह वाला, तो इनको 9 मई या 8 मई को शायद फांसी दे दी गई। उसके बाद 10 मई से फिर मेरठ के जो वो थे सैनिक थे उन लोगों ने विद्रोह कर दिया, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मारफती गीत को लोकप्रिय गीत है, पारंपरिक लोक गीत है, मतलब जो ये मारफती गीत है वो कहाँ का है? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को रटना ही पड़ता है, इसमें ना कुछ समझाने के लिए ना कोई ट्रिक है, याद करना पड़ेगा। और ये कब और कहाँ से पूछेगा तो इसका कोई वो नहीं है। लेकिन एक चीज है, अगर आपने अपने प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस को क्लियर किया है तो उसमें से इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लगा लिए हैं, देख लिए हैं, तो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और डोंट वरी, हम अपने सीरीज में प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस को जो आ चुके हैं उन्हें जरूर कराएंगे। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बांग्लादेश, ठीक है। तो मारफती गीत कहाँ का पारंपरिक लोकगीत है? बांग्लादेश का। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में 2019 में ग्रीष्मकालीन संक्रांति होती है। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2019 का पूछा गया, ठीक है। तो 2019 में संक्रांति कब होती है ये पूछा गया था। लेकिन इस क्वेश्चन को हम आगे आने वाले क्वेश्चंस के हिसाब से देखेंगे। देखिए हुआ क्या था, होता क्या है कि ये देखिए, हमें पता है हमारी पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है। मान लीजिए ये सूरज है, ठीक है। अब क्या हुआ कि पृथ्वी पहले मान लीजिए यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ आएगी और यहाँ जाएगी। पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, झुका देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है कि ऐसे झुकी हुई है, यहाँ पे पृथ्वी जब आती है तो ये कब होता है? 21 या 22 जून को। और जब यहाँ पृथ्वी आती है तो ये कब होता है? 22 या 23 दिसंबर को, ठीक है। जब यहाँ पे पृथ्वी आती है इस पोर्शन में, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ग्रीष्म कालीन संक्रांति। और क्वेश्चन में यही पूछा है ग्रीष्म कालीन संक्रांति कब पड़ी, ठीक है। और वही जब यहां पे पृथ्वी आती है तो इसको क्या कहते हैं? शीतकालीन। जो हम लोग शीतकालीन क्या बोलते हैं हम लोग नॉर्मली उसको? खिचड़ी, ठीक है। 15 जनवरी, अरे ग्रीष्मकालीन संक्रांति, मकर संक्रांति ये हम लोग बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रीष्मकालीन संक्रांति, ठीक है।
अब देखिए क्या होता है, जब पृथ्वी यहाँ पे आती है, कहाँ पे, जब जब पृथ्वी ग्रीष्मकालीन संक्रांति यानी कि इस वाले पोर्शन पे आती है, तो उस समय ग्रीष्मकालीन संक्रांति के दिन सबसे गर्म और सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, इस बार 2020 में ग्रीष्मकालीन संक्रांति कब पड़ी थी, 21 जून को। दोस्तों इस बार जो 2020 में ग्रीष्मकालीन संक्रांति पड़ी, उसी दिन ग्रहण लगा था। मतलब क्या कि सूर्य ग्रहण उस दिन लगा हुआ था। ठीक है, वो सबसे बड़ा दिन होता है साल का, सबसे बड़ा दिन, वो भी किस उत्तरी गोलार्ध का, दक्षिणी गोलार्ध का नहीं, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन तो 23 या 23 दिसंबर में होगा, लेकिन ये सबसे बड़ा दिन था उत्तरी गोलार्ध का। ठीक है, और उसके बाद दिन छोटे होते जाएंगे, क्या होते जाएंगे, दिन छोटे होते जाएंगे, और सबसे बड़ा और सबसे गर्म दिन होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए, हम हमारा अगला क्वेश्चन है, जोरवे संस्कृति एक ताम्र प्रासाण युग पुरातत्व साइट है जो वर्तमान में भारतीय राज्य में स्थित है। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। जोरवे संस्कृति है एक ताम्र पाषाण युग पुरातत्व साइट है। पुरातत्व साइट क्या होता है कि मान लीजिए जो भी पुरानी चीजें, जैसे ताम्र पाषाण युग लिखा, पाषाण युग खत्म होने के बाद जब हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों ने मेटल यूज करना यानी कि तांबा यूज करना शुरू कर दिया, तो उसको क्या बोला जाने लगा, ताम्र पाषाण युग। तो वही ताम्र पाषाण युग की पुरातत्व साइट, मतलब जहाँ इसके साक्ष्य मिले कि हाँ इन लोगों ने तांबा यूज किया है और ये सारी चीजें, उसे ही साइट कहते हैं। और एक साइट है उसी का नाम है जोरवे। तो जोरवे साइट वो कहाँ पे है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा महाराष्ट्र में। ठीक है, लेकिन एक चीज और है, जोरवे साइट महाराष्ट्र में तो है लेकिन इसका कुछ भाग एमपी में भी है। ठीक है, तो अगर महाराष्ट्र बोलता है, अगर महाराष्ट्र क्वेश्चन में है तो ठीक है, अगर महाराष्ट्र नहीं दिया है तो जोरवे साइट महाराष्ट्र और एमपी दोनों में है। हाँ, महाराष्ट्र में थोड़ा ज्यादा इसका पड़ता है और एमपी में कम पड़ता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में महाराष्ट्र नहीं है तो मध्य प्रदेश भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में 24 जनवरी को निम्नलिखित में से किस दिन के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय किसान दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय कृषि दिवस और राष्ट्रीय वृद्ध दिवस। तो जो 24 जनवरी है उसको किस रूप में मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन हम चारों ऑप्शन को देखते हैं, राष्ट्रीय किसान दिवस, जो राष्ट्रीय किसान दिवस है ये मनाया जाता है 23 दिसंबर। दोस्तों इसको लिख लीजिएगा और इसको डेली आप याद करेंगे तभी याद रहेगा, नहीं तो ये दिमाग से स्लिप हो जाता है। और ऐसे दिन से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, उसका राष्ट्रीय बालिका दिवस हो गया। कृषि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। देखिए 24 या 23 मार्च, 22 मार्च, क्योंकि जो मार्च का अंतिम वीक होता है, अंतिम सप्ताह होता है, उसको एग्रीकल्चर वीक कहते हैं। और जो कृषि दिवस है वो इन्हीं एग्रीकल्चर वीक में से किसी भी एक दिन मना लिया जाता है। तो 2020 वाला कब मनाया गया था, तो 2020 वाला मनाया गया था 24 मार्च को। लिखा वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है, वृद्ध दिवस 1 अक्टूबर। देखिए ये तो भूलेगा नहीं, 2 अक्टूबर को गांधी जी का बर्थडे है और 1 अक्टूबर को वृद्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर, यहाँ से क्या है, बालिका दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी और अन्य वस्तु की मांग का परिणाम है कहलाती है। किसी वस्तु और सेवा की मांग, मतलब डिमांड हो रही है किसी भी चीज की, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है, जो किसी और अन्य वस्तु की, जो किसी और अन्य वस्तु की मांग का परिणाम है कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा व्युत्पन्न मांग। क्या, व्युत्पन्न मांग कहलाती है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के साथ व्यापार करने और उसका दोहन करने के लिए शामिल किया गया था। दोहन मतलब देखिए हमारे व्यापार का उन लोगों ने एक्सप्लॉयटेशन ही किया है, तो देहन दोहन का मतलब यही हुआ कि वो एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों 1600। देखिए 1600 में क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको, वहाँ की जो रानी थी, रानी विक्टोरिया जो भी थी,
उन्होंने क्या किया कि 31 दिसंबर 1600 में रॉयल चार्टर के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार करने के लिए एक अधिकार दे दिया था। उसके बाद वो लोग इंडिया आते हैं, पूरे दक्षिण एशिया में आते हैं, मतलब कि जैसे इंडोनेशिया चले जाते हैं मसाले के लिए, सिंगापुर चले जाते हैं, उधर चाइना चले जाते हैं, ये पूरा मतलब पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में वो अपना आधिपत्य जमाने लगते हैं। तो ये कब हुआ था? जब वहाँ की महारानी ने 31 दिसंबर 1600 के रॉयल चार्टर के द्वारा वहाँ की कंपनी को यह अधिकार दिया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों, ये एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है? और शुरू में ये लोग इंडिया में ये कह के आए थे कि हम व्यापार करना चाहते हैं, ठीक है? उसके बाद तो आपको पता ही, इन लोगों ने पूरा अपना राज जमा लिया था। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अ हिस्ट्री ऑफ द सिख बुक लिखी थी? देखिए, हम कहें ना कि डे से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, नेशनल पार्क से रिलेटेड, एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है और सभी शिफ्ट में आते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एग्जाम में, किसी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आता है। तो अ हिस्ट्री ऑफ सिख इस बुक के राइटर हैं। अ हिस्ट्री ऑफ बुक इस बुक के राइटर हैं सुखविंदर सिंह। कौन? सुखविंदर सिंह, ये हैं इस बुक के राइटर। इनको याद करना पड़ेगा, हिस्ट्री ऑफ बुक सिख के राइटर कौन है? सुखविंदर सिंह। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नदी के उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के उत्पादन के लिए मतलब जो जलोढ़ मिट्टी है वो किसके उत्पादन के लिए सबसे अच्छी होती है? चावल, चाय, कपास और मक्का। इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले देखते हैं जलोढ़ मिट्टी क्या होती है। देखिए, जलोढ़ मिट्टी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखिए, ये जरूरी नहीं है जलोढ़ मिट्टी ही लिख के आए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी इंग्लिश में भी लिख के आ सकता है। तो जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं एलुवियम सॉयल, ठीक है? इसी को बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी को बहुत सारी तरीके से, जैसे काप, देखिए जलोढ़ मिट्टी का हम लोग पहले नाम लिख लेते हैं, काप, कछारी, डेल्टाई, बांगर, खादर। देखिए, इन सारे नामों से क्वेश्चन आ सकता है कि ये सारे जलोढ़ मिट्टी को ही कहे जाते हैं, ठीक है? तो जलोढ़ मिट्टी के सारे नाम है। अब देखिए, जलोढ़ मिट्टी होती क्या है? जब नदियां बह के आती हैं तो अपने साथ कुछ सेडिमेंट लेके आती हैं, मतलब कुछ बालू, कुछ कंकड़, कुछ मिट्टी, ये सब लेके आती हैं। और जब वो वहां से बहती हैं, जैसे बाढ़ आ जाती है, जब बाढ़ आती है तो खेतों में नई मिट्टियां आती हैं और फिर बाढ़ वापस चली जाती है और मिट्टी वहीं रह जाती है, ठीक है? इस तरीके से क्या होता है कि मिट्टी हमेशा बदलती रहती है, उसमें जो उर्वरक है वो भी हमेशा बढ़ते रहते हैं, कभी कम नहीं होता है। तो इसलिए उपजाऊ, मतलब जो इसका वो देखते हैं न्यूट्रिएंट के पर्पज से देखें तो काफी वो होती है, उर्वरकता इसकी बहुत ज्यादा होती है। और इसमें धान, गेहूं, तिलहन, दलहन, आलू, गन्ना, तंबाकू, ये सब चीजें होती है। इतनी अच्छी होती है कि इसमें बहुत सारी फसल उगाई जा सकती है। लेकिन मेनली इसमें जो ऑप्शन में दिया गया है उसमें से इसमें धान की खेती होती है। किसकी? धान की खेती होती है, ठीक है? अब देखिए, ये तो हमें पता चल गया, अब और देखते हैं। धान की खेती किसमें हो जाती है? जलोढ़ मिट्टी में हो जाती है, ठीक है? आगे चलते हैं। चाय की खेती होती है चिकनी मिट्टी में, इसमें चाय की खेती होती चिकनी या बलुई मिट्टी में, चिकनी या बलुई मिट्टी में होती है। कपास की खेती क्या होती है? कपास मतलब होता है कॉटन, और कॉटन कब कहाँ उगता है? काली मिट्टी में, काली मिट्टी में कॉटन उगता है, ठीक है? और मक्के की खेती क्या होती है? दोस्तों, मक्का बहुत सारी तरह की मिट्टियों में होता है, वह जलोढ़ मिट्टी में भी हो जाएगा, चिकनी या बलुई मिट्टी में भी हो जाएगा, लेकिन मेनली जो होता है वो बलुई मिट्टी में मक्का उगाया जाता है, ठीक है? चलिए हम अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद
भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों की व्याख्या करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले देखते हैं महाभियोग क्या होता है। जब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है, इस टर्मोलॉजी को, इस जो भी ये प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, महाभियोग। सिर्फ राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए ही महाभियोग शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, और ये महाभियोग शब्द संविधान में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन का पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अनुच्छेद 61। क्या आंसर है? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 51 क्या है? अनुच्छेद 51 यह है कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति हम बरकरार रखते हैं कि झगड़ा ना हो, युद्ध युद्ध जितना हो सके उतना टाला जाए। देखिए जो हमारे इंडिया है ये बहुत कॉम्प्रोमाइज करता है और इसकी कैपेसिटी बहुत है बर्दाश्त करने की, तो ये युद्ध को बहुत ज्यादा बर्दाश्त करता है। यूएन में भी जाके मोदी जी ने क्या बोला था कि हमने दुनिया को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं, यानी कि इंडिया जो है टॉलरेट करता है, जल्दी वो युद्ध करने के पक्ष में नहीं रहता है। ठीक है, तो आर्टिकल 21 में ही लिखा है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति बनानी, इंटरनेशनल पीस बनाना है। ठीक है, और उसका 54 में क्या है? 54 में दिया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, निर्वाचन मतलब इलेक्शन कैसे होगा, कुछ प्रोसेस होगा उसके बारे में अनुच्छेद 54 में दिया है। अनुच्छेद 63 में क्या दिया? अनुच्छेद 63 में दिया है कि जैसे जो यहाँ पे इंडिया में वहाँ एक उपराष्ट्रपति भी होगा, इंडिया में एक उपराष्ट्रपति भी होगा। क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति भी होगा। ठीक है, इसमें दिया है अंतर्राष्ट्रीय शांति। ठीक है, अनुच्छेद 61 का बता ही दिया है मैंने, महाभियोग है, और 54 में दिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन। किसका निर्वाचन? राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, जितने भी रूल रेगुलेशन है सब दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करिए एंड शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।